अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। स्टूडेंट्स मास्टर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर कोई शॉर्ट कोर्स है जिससे हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए। मैं उनसे पूछता हूँ कि 16 साल आपने इंग्लिश पढ़ी है तो उससे क्या इंग्लिश बेहतर नहीं हुई? तो वो सिंपली कहते हैं जी हमारे स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं है या कॉलेज लेवल पर हमें सही पढ़ाया नहीं गया। आपको कॉलेज लेवल पर बिल्कुल सही पढ़ाया गया, लेकिन आपको कुछ और पढ़ाया गया। वो क्या पढ़ाया गया मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दो टर्मिनोलॉजीज़ को आप यहाँ पर समझ लें कि किसी चीज़ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना या सीखना, एज ए सब्जेक्ट, और दूसरा है या आप एज ए स्किल पढ़ते या सीखते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक गाड़ी की एग्जांपल दूंगा, कार ड्राइविंग। अब एक शख्स है, वो गाड़ी सीखने जाता है, वो उसकी मुलाकात किसी ट्रेनर की बजाय किसी इंजीनियर से हो जाती है। वो कहता है जी बिल्कुल मैं आपको गाड़ी सिखा दूंगा। वो एक साल तक उसको गाड़ी की अंदर की सारी चीज़ें समझाता रहता है जी, ये स्टेयरिंग होता है, ऐसे घूमता है, इसमें ये वाली फिजिक्स इस्तेमाल हुई है, ब्लैक धुआं इस तरह निकलता है, वाइट इस तरह निकलता है, टायर ये इस तरह घूमता है, फ्रिक्शन ये होती है, इसके टायर की ये कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, पंक्चर इस तरह होता है, इस तरह बचता है, अगर एक्सीडेंट हो तो इस तरह गाड़ी को सेव किया जा सकता है, इतने जो है फोर्स का जर्क लगता है, झटका जिसे कहते हैं, और किसके साथ एक्सीडेंट कैसे होता है, स्लिपिंग कैसे होती है, हर चीज़ बताता रहता है। एक साल के बाद वो उसको कहता है कि 1 किलोमीटर ज़रा मुझे ड्राइव करके दिखाओ। वो बंदा उसके आगे हाथ जोड़ेगा, वो कहेगा सर आपने तो मुझे ड्राइव करना तो सिखाया ही नहीं है, आप तो मुझे इसकी अंदर की चीज़ें बताते रहे। इसी तरह लैंग्वेज को भी जब आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, इसके लिए मैं स्टडी का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, लर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। स्टडी आप उसको बड़े ज़्यादा डेप्थ में, डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। कैसे पढ़ते हैं सारा मैं अभी समझाता हूँ। दूसरा, इसके लिए मैं लफ्ज़ से लर्न इस्तेमाल करूँगा, सीखना, या एक मज़ीद अप्रोप्रिएट टर्म है अक्वायर, जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें एफर्ट चाहिए होती है। लर्न एंड अक्वायर, ये दो लिंग्विस्टिक्स में टर्मिनोलॉजीज डिफरेंटली इस्तेमाल होती हैं। पहले हम लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं कि ये एज ए सब्जेक्ट कैसे हमें सिखाई गई। हमें इसकी जिस तरह गाड़ी सिखाने वाले इंजीनियर ने एक एक टर्म का बताया, लेकिन उसने यूज़ नहीं सिखाया गाड़ी का कि गाड़ी को चलाना कैसे है। दूसरी तरफ एक बंदा था, उसको हैंडल का नाम भी नहीं था, तो उसको हैंडल कहता था, स्टेयरिंग को भी हैंडल कहता था, और जो पाँव पे ब्रेक लगाते हैं उसको ये भी नहीं था पता कि इसका नाम ब्रेक है। वो ये कहता था कि मेरे पाँव के नीचे एक चीज़ आती है, उसको मैं दबाता हूँ तो गाड़ी रुक जाती है, और मुझे रोक नहीं आती है गाड़ी। यानी कि उसको यूज़ आता है, गाड़ी का यूज़ आता है। इसी तरह जो लैंग्वेज यूज़र होता है उसको टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता जी जेरंड क्या है, क्लॉज क्या है, इवन उर्दू के अंदर मश्तक, जामद, मोहम्मल कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन हम फर उर्दू बोल रहे होते हैं। इसी तरह जब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, हमें सेकंड लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज सिखाने की बजाय एज ए सब्जेक्ट 16 साल पढ़ाया जाता है। हमें मज़े की बात क्या है, हमें 16 साल टेंसेज ही पढ़ाए जाते हैं, जबकि अगर 16 साल सही तरह ग्रामर भी पढ़ा दी जाए, ग्रामर को इसके साथ यूज़ करके पढ़ा दिया जाए तो बड़ा बेहतर होता है। कैसे होगा अभी सारा कुछ समझाता हूँ। पहले आप ये तीन तरीके जहन में रखिएगा। पाकिस्तान में GTM चल रहा है 70 साल से, 74-75 साल से, जितनी देर से आज़ाद हुआ है या जितनी देर से लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी तब से GTM चल रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे अक्सर टीचर्स हैं उनकी अपनी स्पीकिंग पावर ऐसी नहीं है कि वो उस स्पीकिंग पावर को इस्तेमाल करके स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करके लैंग्वेज को बेहतर अंदाज से क्लासरूम में यूज़ करवा के सिखा सकें। वो क्या करते हैं, वो फिर उनके पास एक आसान ही सादा हल होता है, ज़्यादातर की बात नहीं कर रहा, अक्सर मेजॉरिटी है जो स्पीकिंग नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो थोड़े लोग हैं जो अभी मॉडर्न लिंग्विस्ट्स आ रहे हैं जिन्होंने ELTL पढ़ा हुआ है या ELT पढ़ा हुआ है या TEFL, TOEIC, IELTS पढ़ा हुआ है, वो करके आके वो कुछ स्पीकिंग कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं जी, उर्दू लिखी उसके बाद उसका तर्जमा करवा दिया, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, पेपर में भी ऐसे आता है। और आप हैरान रहेंगे कि 9th के बच्चों को टर्मिनोलॉजी में किस तरह उलझाया गया कि पेपर में क्वेश्चन आता है इफ़ कंडीशन का, एक सेंटेंस लिखा होता है, इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग सम एप्पल्स फॉर माई फैमिली। जी ये कंडीशन फर्स्ट है, ज़ीरो है, या सेकेंड है, या थर्ड है। अब बच्चे को फर्स्ट, सेकेंड, ज़ीरो, थर्ड से क्या लेना देना? बच्चे को एक सिचुएशन दें, बच्चे को कहें कि जी आप मार्केट जा रहे हैं और आपके घर वालों ने डिफरेंट सेंटेंसेस आपके लिए बोलना शुरू किए हैं और उन्होंने सिचुएशंस क्रिएट किए हैं। वो घर वाले आपको भाई कुछ कह रहा है, बहन कुछ कह रही है,
और आपके फादर कुछ कह रहे हैं और वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप मार्केट जाओ तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये ला सकते हो, कैन का वर्ड वो लगा सकता है क्वेश्चन पूछने वाला, अच्छी फ्रेज की शक्ल में अच्छा क्वेश्चन को फ्रेज किया जा सकता है, वो जब बंदा लिखता है तो एक बेटर वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जब सिचुएशन दे दी, दो तीन लाइन में बच्चे को समझा दी, बच्चा नीचे फिक्रे लिख रहा है जी, इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग एप्पल्स, इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग चॉकलेट्स, और मज़ीद कह दिया जाए कि ब्रिंग की जगह पर डिफरेंट वर्ब्स लगाए जाएँ और गो की जगह पर भी आप डिफरेंट वर्ब्स लगाएँ, इफ़ आई विजिट मार्केट, If I get a chance to visit market, फिर हर बच्चे की vocabulary different होगी, उसका sentence structure different होगा, उसका style different होगा। ये language को use करवाना बजाय उसकी सिर्फ terminology सिखाना, बिल्कुल ऐसे ही है कि गाड़ी का एक बंदे को बताया जी ब्रेक है, फिर उसको real way में करवा के कहा जी अब ब्रेक लगा के दिखाओ ज़रा, ब्रेक लगा के वो ब्रेक लगा के चेक करता है ब्रेक लग रही है या नहीं लग रही। फिर होता क्या है, जब गाड़ी चलाने के लिए कोशिश करता है ना तो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, सामने देखा जी अचानक बड़ी गाड़ी आ गई, पता चल गया वो कोई गाड़ी आ गई, पसीना आ गया, परेशान हो गया, यही चीज़ें लैंग्वेज के अंदर भी हो रही होती हैं। सामने कोई नेटिव स्पीकर आ गया, उसने डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ कर ली, मुश्किल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया, एक्सेंट उसका समझ नहीं आया, पसीना आ गया, पजल हो गए, इंटरव्यू वाली कंडीशन आ गई जिस तरह मुश्किल रोड्स आ जाते हैं, मुश्किल टर्न्स आ जाते हैं जी, यहाँ पे भी गाड़ी आ जाती है, यहाँ पे भी गाड़ी आ जाती है, पता नहीं चलता, ओवरटेक कर रहे होते हैं तो पता चलता है जी सामने से एक और गाड़ी आ रही है। इसी तरह जब टर्न टेकिंग की अपनी बारी ले रहे होते हैं स्पीकिंग के अंदर, पता चलता है जी उसने भी बारी ले ली है, उसने अपना कोई नया क्वेश्चन पुट कर दिया, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस, फिर पसीना आ जाता है, फिर कहते ओहो सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, ओहो सर मुझसे तो बोला नहीं गया, सर मैं तो फेल हो गया, सर ये सिर्फ इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स है हमारा, उसकी वजह यही है कि हमने सीखा लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट, उसकी हमने इंची बिची सीख ली, हमें क्लॉज पता चल गया, हमें फ्रेजल वर्ब पता चल गया, हमें एडजेक्टिव पता चल गया, एडवर्बियल पता चल गया, जेरंड पता चल गया, सारा कुछ हमने सीख लिया, लेकिन यूज़ कितना किया वो किया ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे को बजाय नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन का रट्टा लगवाने के लिए नाम चीज़ जगह ये वो, फिर उसके बाद चार पांच एग्जांपल्स बरसों से चलती आ रही हैं, चेयर टीचर बॉय गर्ल ये क्या है, ये नाउन है, फिर उसके बाद लाहौर पाकिस्तान बादशाही मस्जिद ये क्या जी प्रॉपर नाउन है, कायदे आजम लगा लें। अब ये बजाय इस चीज़ के रट्टा लगवाने के डेफिनेशन को उसकी एप्लीकेशन करवाई जाए, हमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया जाता है कि एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल टीचिंग समथिंग, कंटेंट देना और नॉलेज देना फॉर शॉर्ट टाइम, बच्चे को थोड़ी देर के लिए याद होता है उसके बाद स्किप हो जाता है, लेकिन जब उसको एप्लीकेशन करवा दी जाती है उसकी, जब उसको अप्लाई करवा दिया जाता है उस चीज़ को, वो बच्चे का देर टाइम तक उसके जहन में रह जाता है। एप्लीकेशन कैसे होती है, बच्चे को एक एग्जाम्पल लिखवाई, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कहा जी मैन है, उसके बाद बच्चे को कहा जी मैन एक नाम है, ठीक है जी, इसके साथ एक एडजेक्टिव लगाएं जी, क्या क्या मैन हो सकता है, टॉल मैन, इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, उसके बाद हैप्पी मैन, उसके बाद सैड मैन, गुड मैन, ठीक है, गुड मैन, हैप्पी मैन, सैड मैन, बैड मैन, ये सारे करते 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 स्पाइडर मैन, बच्चा अब सोच रहा है, बनाता जा रहा है, उसने कोई 200 वर्ड्स बना लेने होते हैं, और इससे होता क्या है, आपको लगता है जी ये रूल बच्चे को पता चल गया जी, एडजेक्टिव लगना है और आगे मैन लगना है जी, तीन वर्ड्स बच्चे ने बना लिया तो इसका मतलब है कि जी वाह जी वाह बच्चे को रूल आ गया, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, बच्चे को बीसियों वर्ड्स बनवाने पड़ेंगे आपको, बच्चे को बनाने दें, उसके ब्रेन को सोचने दें, जितना ज़्यादा वर्ड्स बना लेगा उतनी उसकी एसोसिएशन हो जाएगी, और इंटरेस्टिंग बात है वो इन्जॉय भी कर रहे हैं इसको, वो 200 वर्ड्स बना के भी थक नहीं रहा। फिर आपने बताया जी एक एंड होता है, एंड के बाद एंड दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है या दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर आपने कहा जी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिकली मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, फिर आपने बच्चे को कहा कि जी इसको जोड़ो एक और नाम के साथ, दो नाम जोड़ने हैं, टॉल मैन एंड स्मॉल गर्ल, ठीक हो गया जी, उसके बाद हैप्पी मैन एंड हिज मदर, हैप्पी मैन और उसकी माँ, ठीक है जी, सैड मैन एंड हिज हैप्पी मदर, उदास आदमी और उसकी खुश माँ,
तो क्या हो रहा है, वो चीज़ों को जोड़ना सीख रहे हैं, एंड एंड की एप्लीकेशन करवा दी, बना रहा है फिक्र 20-25-30-100 बना लिए, रूल सिखाया, रूल 1% उसने रूल सीखा, बाकी 99% उसने प्रैक्टिस कर ली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको 99% रूल ही सिखाते रहते हैं। एक 1.5 घंटे का लेक्चर होता है टीचर का, वो 1.25 घंटा ग्रामर पढ़ा के बच्चे नोट कर जा रहे हैं, ठीक है जी अगला टेंस आ गया जी, नेगेटिव आ गया जी, ये आ गया वो आ गया, अच्छा जी इफ़ कंडीशन की ये आ गई है वो आ गई, लिखते लिखते उसके बाद पता चलता है जी टीचर पसीना पसीनी हुआ पड़ा, फुल पसीना छूट रहा है, पता चला जी बड़ी मेहनत से पढ़ाया, प्रिंसिपल साहब आते हैं अप्रिशिएट करते हैं, नाइस लेक्चर डियर सर, बहुत ज़बरदस्त, वाइट बोर्ड पूरा भरा हुआ है। पता चलता है कि 3 दिन के बाद बच्चे को सारा कंटेंट बिल्कुल वाइप आउट हो गया उसके ब्रेन से, उसको याद ही नहीं है कि जी एस ई एस कहाँ पे लगना है। आप खुद ही अपने आप से पूछ लें कि क्या आप एमए लेवल पे आके भी एस ई एस की गलती अनकॉन्शियसली करते हैं या नहीं करते, रूल आता है आपको, अनकॉन्शियसली गलती करते हैं। इसी तरह जिसने गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखी थी उसको इंजीनियरिंग सारी आती है, लेकिन वो गलतियाँ करता है, उसे ब्रेक सही तरह लग नहीं पाती, वो टर्न नहीं ले पाता, उसको डर लग जाता है। तो इसी तरह आप लैंग्वेज को जब इस तरह सीखना शुरू करेंगे तो फिर आप गए काम से, फिर नहीं आएगी, इस तरह सीखेंगे फिर आ जाएगी। और मैं क्या करता हूँ शॉर्ट कोर्सेज में, जो मैं शॉर्ट कोर्सेज करवाता हूँ उसमें भी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से राइट वे में ये रोड मैप दे देता हूँ कि जी इस तरह लैंग्वेज सीखें आप स्किल के तौर पर, और इसके ये तरीके कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ और बाकी स्टूडेंट्स पर छोड़ देता हूँ, जब आप ये कोर्स से बिल्कुल फ्री होते हैं तो आपने रियल वे में लैंग्वेज को इस तरह लेके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।